कोरोना के समय में छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ था जो आज तक नहीं थमा है। कोरोना के समय लॉकडाउन के कारण ट्रेनों की आवाजाही बंद थी, लेकिन कोरोना खत्म होने के 3 साल बाद भी ट्रेन रद्द होने का सिलसिला जारी है, जिसके विरोध में शनिवार को कांग्रेस पदाधिकारी रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने पहुंचे। राजनगांव महापौर हेमा देशमुख शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजनगांव रेलवे स्टेशन पहुंची और 78 ट्रेनों के रद्द होने का विरोध किया और ज्ञापन भी दिया। रेलवे अधिकारी आर के बर्मन ने इस पर कहा कि रेलवे द्वारा 4थी रेल लाइन बिछाई जा रही है, यह रेलवे का विकास कार्य है, जनता इसका साथ दे, जिसके कारण यात्रियों को कुछ अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की जो रेल नीति है उससे हम सब परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के लोग जहाँ पे 76 ट्रेनें रद्द हो चुकी है, आवागमन के साधनों में लोगों को असुविधा हो रही है, किसी का परिवार बीमार है तो कहीं एग्जाम हो रहा है तो कहीं नौकरी के इसमें, तो ये बार बार जो जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जैसा आप लोगों ने अभी सभी ने देखा कि मेरे पास प्रदेश शहर जिला कांग्रेस कमेटी कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भागवत जी साहू जी का भी नाम है, उन्होंने मुझे आगे ज्ञापन दिया है कि जो अभी फिलहाल जैसा मैं न्यूज में आ रहा है कि 72 ट्रेनें छत्तीसगढ़ की रद्द हो गई, उसे 36 की रद्द नहीं हुई है, उसमें जो हमारा करमना स्टेशन में एलआई वर्क चल रहा है उसकी वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। तो ये तो रेलवे के विकास में सब सहयोग करे अच्छा रहेगा, इसमें तकलीफ किसी को नहीं होगी। जो ट्रेनें नहीं चल रही दूसरी ट्रेन में सफर कर लेंगे, आती कोई दिक्कत नहीं।